नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अष्टमी और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज सुबह 8:50 तक रहेगी, उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। आज सीता अष्टमी है। आज शाम 4:05 तक वज्र योग रहेगा, साथ ही आज शाम 4:21 तक ज्येष्ठा नक्षत्र भी रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 12:33 पर सूर्य पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 10 मार्च की देर रात 1:55 से अगली सुबह 6:15 तक रहेगा। तो इतनी सुबह कोई कोर्ट तो नहीं खुलती, इतनी सुबह आप न्याय पाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने मुकदमे पर दस्तखत कर सकते हैं, आप इस दौरान ईमेल कर सकते हैं, इस दौरान मेल प्रिपेयर कर सकते हैं, इस दौरान अपने पॉइंट्स लिखकर अपने वकील को दे सकते हैं। यू कैन इनिशिएट योर एक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 8 मार्च की सुबह 6:17 से सुबह 10:41 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 7 मार्च की सुबह 6:40 से दोपहर 11:59 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 6 मार्च की सुबह 6:41 से सुबह 10:08 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:03 से दोपहर 2:18 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 7 मार्च की सुबह 7:04 से दोपहर 11:59 तक, और एक बार फिर दोपहर 2:14 से रात को 9:08 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 मार्च की दोपहर बाद 3:22 से शाम 7:26 तक, और एक बार फिर रात 8:58 से रात 9:42 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये 5 मार्च की शाम 4:00 से शाम 7:00 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 15 मार्च की रात 10:56 से रात 1:15 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 8 मार्च की सुबह 7:00 से 11:56 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब ये अशुभ समय 6 मार्च की रात 10:52 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी,
लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:11 से सुबह 9:38 तक, मुंबई सुबह 8:25 से सुबह 9:53 तक, चंडीगढ़ सुबह 8:13 से सुबह 9:40 तक, लखनऊ सुबह 7:55 से सुबह 9:23 तक, भोपाल सुबह 8:08 से सुबह 9:36 तक, कोलकाता सुबह 7:24 से सुबह 8:52 तक, अहमदाबाद सुबह 8:27 से सुबह 9:55 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:52 से सुबह 9:22 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। करियर के मामले में आप अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले सकते हैं, हालांकि उनको पूरा करने की भी आप पूरी कोशिश करेंगे। छात्रों को किसी काम में बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स अपने भविष्य के लिए टीचर से सलाह ले सकते हैं। परिवार में आपको माता का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। आप किसी जरूरी सामान की खरीदारी कर सकते हैं। इस राशि के विवाहित कुछ बेहतरीन पल बिता सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन राहतपूर्ण रहने वाला है। आपके पारिवारिक जीवन में उत्साह का माहौल रहेगा। इस राशि के कंप्यूटर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार है, अच्छा है, अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको किसी बड़ी कंपनी से अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। छात्रों को अपनी किसी प्रतिभा के लिए पुरस्कार मिलेगा। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा है। पड़ोसी आपके शुभ कामों में आपकी मदद कर सकते हैं। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। व्यापारी किसी नए काम की शुरुआत करेंगे। कुछ लोगों की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप घरेलू चीजों को खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे। आपके बच्चे आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। महिलाओं के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आप सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। आप कहीं बाहर यात्रा पर जा सकते हैं। कानूनी मामलों में सही सलाह के लिए किसी अनुभवी की राय लेना उचित रहेगा। इस राशि के विवाहित लोग आज किसी रेस्टोरेंट में डिनर का प्लान बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस में किसी से भी व्यर्थ की बात करने से आपको बचना चाहिए। आपको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। गुस्से में आपका काम बिगड़ सकता है। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो किसी जानकार से सलाह जरूर ले लें। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन ठीक रहेगा। आप किसी समारोह में भाग ले सकते हैं। बुजुर्ग किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाएंगे। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की सोच रहे हैं तो दोस्त की मदद से कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज किसी व्यक्ति से आपकी उम्मीदें बढ़ी हुई रहेंगी, लेकिन आपकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। किसी से भी ज़्यादा उम्मीदें लगाकर न रखें। साथ ही जो भी काम करें अपने दम पर करें। किसी से मदद लेना आपको भारी पड़ सकता है। छात्रों के लिए दिन ठीक रहेगा। आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आप किसी स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दवाइयाँ समय पर लेनी चाहिए। छोटे बच्चों की सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपकी ऊर्जा का स्तर बेहतर रहेगा, आपका काम कम समय में पूरा हो जाएगा, आपका काम दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में भी लोग आपकी तारीफ करेंगे, परिवार में सब लोग आपके पक्ष में रहेंगे, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन में जा सकते हैं। विवाहित लोगों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा रहेगा, बिजनेस में लिए गए फैसले कारगर साबित होंगे, आपके व्यवहार की तारीफ होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका मन लेखन कार्यों में रहेगा, आप किसी पुरानी अधूरी रचना को फिर से पूरा कर सकते हैं, इससे आपको मानसिक रूप से अच्छा महसूस होगा, कॉलेज में किसी काम के लिए पुरस्कार मिल सकता है, आप आगे की पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करेंगे, पैसों के लेन देन में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, ऑफिस में किसी के साथ तकरार की स्थिति बन सकती है, अपनी राय दूसरों के सामने रखें लेकिन दूसरों की राय को भी महत्व जरूर दें, इससे स्थिति ठीक रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा, पहले से बनाई हुई योजनाओं के पूरा होने के योग बन रहे हैं, आप किसी नए काम के बारे में सोच सकते हैं, परिवार में सबके साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए किसी मित्र से सहयोग मांग सकते हैं, ऑफिस में स्थिति ठीक बनी रहेगी, आप अपना काम कम समय में पूरा कर लेंगे, चीज़ों में तालमेल बना रहेगा, आप सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, संतान की ओर से खुशखबरी मिलेगी, आज के दिन गायत्री मंत्र का पाठ करें, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा, बिजनेस के मामले में आपको किसी नजदीकी दोस्त से मदद मिलेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, नव विवाहित किसी ट्रिप का प्लान बनाएंगे, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, छात्र किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, आपको सफलता भी मिलेगी, अगर आप जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय बेहतर है, आप किसी अच्छी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, आर्थिक रूप से आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, आपको संतान से पूरा सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज मेहनत से किए हुए काम पूरा होने की उम्मीद है, जिससे आपको काफ़ी राहत मिल सकती है, लेकिन आपको समय के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, किसी कार्य में अधिक समय लगाने से दूसरे काम अधूरे रह सकते हैं, आप किसी से मदद मांगने में न हिचकें, सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो अपने पार्टनर से किसी जरूरी मुद्दे पर बात कर सकते हैं, दांपत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए, मित्रों के साथ मनोरंजक यात्रा हो सकती है, अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, करियर में आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा, आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, दिन अच्छा रहेगा, आपको काम के बेहतरीन मौके मिलेंगे, जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के ऑफर मिल सकते हैं, ज्वेलरी का व्यापार कर रहे लोगों को फायदा होगा, करियर के मामले में गुरु से पूरा सहयोग मिलेगा, आप किसी नए कोर्स की ज्वाइनिंग के बारे में सोच सकते हैं, माता पिता आपके हर कदम पर साथ होंगे, भौतिक सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपकी किस्मत आपका साथ देगी, आपके सारे काम आसानी से पूरे होते दिखेंगे, अपने भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते हैं, काम के प्रति सोच विचार में दोस्तों का भी सहयोग मिल सकता है, आज आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, इस राशि के बिजनेसमैन कुछ बड़े लोगों से मिल सकते हैं, आपकी मुलाकात सफल रहेगी, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, छोटे बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिजी रहेंगे, सहयोगी काम में मदद करेंगे, घर परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज नारियल की बर्फी सुहागिन को दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गुरु मंत्र का जाप करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा।
और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक एक वालों आज आपके अधूरे काम पूरे होंगे, किसी नए काम के सिलसिले में किसी से बातचीत करेंगे। मूलांक दो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, साथ ही आपके कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। मूलांक तीन नए काम करने के आपको मौके मिलेंगे, आपको सफलता मिलेगी। मूलांक चार पुरानी बातों के झंझट में पड़ने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो कोई टेंशन आपको होगी। मूलांक तीन कुछ खास काम आपके बनते बनते अटक सकते हैं, जिससे आप थोड़ा मायूस होंगे। मूलांक छः आज आपकी प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी और लोगों की नज़रों में आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी। मूलांक सात आज का दिन आपके लिए बहुत खास रहेगा, आपके सारे काम एक एक करके पूरे होंगे। मूलांक आठ साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे। मूलांक नौ एक तरफा सोच आपको किसी परेशानी में डालेगी, इसलिए आपको सोच विचार करने से बचना चाहिए। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने आपको ईशान कोण में मिट्टी से संबंधित चीज़ें रखने के बारे में बताया था, और आज हम चर्चा करेंगे कि ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी से संबंधित चीज़ें रखने से आपको क्या फ़ायदे होंगे। आपको बता दूं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा यानी घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मिट्टी से संबंधित चीज़ें रखने से इस दिशा से संबंधित वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में सबकी स्थिति अच्छी होती है। उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी से संबंधित चीज़ें रखने से जीवन में आने वाली हर परेशानी से छुटकारा मिलता है, बाधाएं समाप्त होती हैं। इससे घर के सदस्यों के काम में किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं होती है, साथ ही व्यक्ति तरक्की की राह पर आसानी से अग्रसर हो जाता है। आपको ये भी बता दूं कि इसका सबसे ज़्यादा लाभ घर के सबसे छोटे बेटे को मिलता है, साथ ही सेहत के मामले में हमारे हाथों को इसका फायदा मिलता है, इससे हाथ मजबूत बने रहते हैं। लिहाजा आप हाथ से मेहनत करने वाले अच्छे कार्य अच्छे से पूरे कर सकते हैं, जो काम हाथ से होते हैं। ईशान कोण के अलावा आप अन्य किस दिशा में मिट्टी से संबंधित चीजों को रख सकते हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अष्टमी और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज सुबह 8:50 तक रहेगी, उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। फिलहाल हम चर्चा करेंगे अष्टमी तिथि के बारे में। तो बता दूं कि प्रत्येक फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सीता अष्टमी मनाने का विधान है, लिहाजा आज सीता अष्टमी है। दरअसल आज ही के दिन माता पिता का प्राकट्य माता सीता का प्राकट्य हुआ था। आज के दिन को माता सीता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूंकि सीता जी राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उनका एक नाम जानकी भी था, जिस कारण से इस दिन को जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिलाकर आज के दिन माता सीता की पूजा का विधान है। कहते हैं आज के दिन माता सीता की वंदना से व्यक्ति को 16 महादानों और सभी तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है, अतः आज के दिन का आपको लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। साथ ही माता सीता और श्री राम के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है श्री सीतायै नमः, श्री रामाय नमः, सीता रामाय नमः। इस प्रकार मंत्र जप करके माता सीता और श्री राम दोनों को पुष्पांजलि चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि और शांति तो मिलती ही है, साथ ही ये जीवन के मार्ग को सुगम बनाती है और कल्याण की ओर ले जाती है। इसके अलावा देवी माँ की कृपा से व्यक्ति को अच्छे गुणों की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख का संचार होता है। अतः आज के दिन स्नान आदि के बाद माता सीता की हल्दी चंदन और कुमकुम से पूजा करें, उनके आगे घी का दीपक जलाएं और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, साथ ही माता सीता को किसी मीठी चीज़ का भोग भी लगाएं। इस प्रकार आज के दिन माता सीता की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाली सीता अष्टमी के बारे में। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 4:05 तक वज्र योग रहेगा। वज्र का अर्थ होता है कठोर। इस योग में वाहन सोना और कपड़ा खरीदना अच्छा नहीं माना जाता।
लिहाजा वज्र योग के दौरान जितना संभव हो सके आप भी इन चीज़ों की खरीदारी करना अवॉइड करें। साथ ही आज शाम 4:21 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्र 9-9 की शाखाओं में 3 श्रृंखला में बटे हुए हैं, जिसमें से पहली श्रृंखला की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है, जबकि 9 नक्षत्रों की दूसरी श्रृंखला का अंत ज्येष्ठा नक्षत्र पर होता है। आकाशमंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज़ को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ताबीज़ को सामान्यतः लोग किसी तरह की निगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं, अतः ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। आपको ये भी बता दूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र की राशि वृश्चिक है, और जैसा कि हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं कि हर नक्षत्र का संबंध किसी न किसी वनस्पति या पेड़ पौधे से होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चीड़ है, और जिस नक्षत्र का जो पेड़ होता है उस नक्षत्र से संबंधित व्यक्ति को उस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा वज्र योग और ज्येष्ठा नक्षत्र से जुड़ी कुछ खास चर्चा, और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों की। अगर आप अपने बच्चों के रिश्ते के संबंध में शहर से बाहर यात्रा पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको बीच में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए और आपकी यात्रा सफल हो जाए, तो आज के दिन आप श्रीराम की इस चौपाई का 11 बार जप कीजिए। चौपाई है, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कोसल पुर राजा। आज के दिन ऐसा करने से आपकी यात्रा सफल होगी और आपका काम भी बनेगा। अगर आप गणित से संबंधित यानी जोड़ घटा आदि से संबंधित विषय में कमजोर हैं, तो आज के दिन आपको स्टेशनरी का काम करने वाले किसी व्यक्ति को मिट्टी से बनी कोई चीज़ गिफ्ट करनी चाहिए, और अगर उस चीज़ पर तोते का चित्र बना हो या फिर आपको मिट्टी से बना तोता ही मिल जाए तो इससे अच्छा गिफ्ट और क्या होगा। अगर आप अपनी बेटी के लिए बहुत समय से रिश्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आज से शुरू करके अगले 11 दिनों तक आपको रामचरितमानस की इस चौपाई का 108 बार पाठ करना चाहिए। चौपाई है, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूरा ही मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूरा ही मन कामना तुम्हारी। फिर से याद सुनिए, फिर से एक बार सुनिए, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूरा ही मन कामना तुम्हारी। इस चौपाई का पाठ करने से जल्दी ही आपकी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अगर आप जीवन साथी के साथ अपने प्यार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और रिश्तों का सम्मान बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको श्रीराम और माता सीता की सुगंधित पुष्पों से पूजा करनी चाहिए, और पूजा के बाद भगवान को चढ़ाए फूलों में से एक फूल लेकर अपने जीवन साथी को गिफ्ट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपका प्यार बढ़ेगा और रिश्तों में सम्मान बना रहेगा। अगर आप किसी विशेष मनोरथ की प्राप्ति करना चाहते हैं यानी अपनी कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन श्री राम की तस्वीर के आगे बैठकर उनकी इस चौपाई का पाठ करें। चौपाई है, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। इस प्रकार 21 बार चौपाई का पाठ करके भगवान श्री राम को पुष्प अर्पित करें और उन्हें बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने विशेष मनोरथ की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अगर आप हर जगह प्रसिद्धि चाहते हैं, तो आज के दिन आपको किसी किसान से रिक्वेस्ट करके उनकी कमीज का एक धागा लेना चाहिए, और अगर सफ़ेद रंग की कमीज का धागा हो तो और भी अच्छा है। अब उस धागे में हल्की से इत्र की खुशबू लगाकर उसे एक डिब्बी में डालकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको हर जगह प्रसिद्धि मिलेगी। अगर आप अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना करते हैं, तो आज के दिन एक डिब्बी में सिंदूर लेकर भगवान राम और माता सीता के चरणों में रखिए और उनकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करिए। पूजा के बाद उस सिंदूर की डिब्बी को उठाकर अपने जीवन साथी को दे दें, अपने
मतलब अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी को दे दें, अगर आप खुद एक महिला हैं तो अपने पति से कहिए कि वो सिंदूर की डिब्बी उठा कर आपको दे दें और आपकी मांग में थोड़ा सा सिंदूर भी लगा दें। अगर आप अपने घर को निगेटिव एनर्जी से बचाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन एक फिटकरी का टुकड़ा लेकर घर के मुख्य दरवाजे के पास रख दें और जब तक वो काला ना पड़ जाए उसे वहीं पर रखा रहने दें। बाद में उस फिटकरी के टुकड़े को फेंक दें। ये उपाय करने से आपका घर हर तरह की निगेटिव एनर्जी से बचा रहेगा। अगर आप हर तरफ से हर क्षेत्र में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री राम यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आप चाहें तो खुद भी इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए एक भोजपत्र, अनार की कलम और केसर की स्याही ले लें। लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप एक सफ़ेद कोरा कागज़ और एक लाल स्केच पेन ले लें। आप भोजपत्र पर या सफ़ेद कोरे कागज़ पर एक बिंदु बनाइए। अब इस बिंदु के बाहर एक त्रिकोण बनाइए। अब उस त्रिकोण के विपरीत एक और त्रिकोण बनाइए। इस तरह ये षटकोण बन जाएगा। अब षटकोण के बाहर एक वृत्त बनाइए गोला और उस वृत्त के बाहर 8 कमल की पंखुड़ियाँ बनाइए। इस प्रकार आपका यंत्र तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि यंत्र बनाते समय राम का नाम लेते रहें। इस प्रकार यंत्र बनाने के बाद उसके मध्य में श्री राम का ध्यान करते हुए क्लीं रामाय नमः मंत्र का 1008 बार जप करें। फिर उसे किसी सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रख दें। आज के दिन ऐसा करने से हर तरफ से हर क्षेत्र में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। अगर बहन या बुआ के साथ आपके रिश्तों में अनबन बनी हुई है तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर अलग रखनी चाहिए और उसके 3 हिस्से करने चाहिए। अब उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दें, एक हिस्सा कौए के लिए रख दें और एक हिस्सा कुत्ते को खाने के लिए दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बहन या बुआ के साथ आपके रिश्तों में पड़ी कड़वाहट दूर होगी। अगर आप जीवन में सुख शांति और मनोवांछित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माँ दुर्गा के अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको बता दूं कि ये स्तोत्र आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती नहीं है तो आप चिंता न करें, आपको इंटरनेट से अर्गला स्तोत्र तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। वहाँ तो पूरी सप्तशती ही मिल जाएगी। अगर आपको अपने जीवन साथी की तरक्की को लेकर हमेशा दुविधा बनी रहती है तो आज के दिन तोते को हरी मिर्च खिलाइए। अगर ऐसा करना संभव न हो तो तोते की एक बड़ी सी तस्वीर लाकर अपने घर की उत्तर दिशा में लगाएं और रोज उसके दर्शन करें। ऐसा करने से जीवन साथी की तरक्की को लेकर आपके मन में बनी हुई दुविधा जल्द ही दूर होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज के दिन वज्रयोग, ज्येष्ठा नक्षत्र और सीताष्टमी यानी जानकी जयंती के बारे में। आज ज्येष्ठा नक्षत्र और जानकी जयंती के दिन कौन से खास उपाय करके आप जीवन में लाभ पा सकते हैं, हमने इसके बारे में चर्चा की है। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि आज दोपहर 12:33 पर सूर्य पूरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और 17 मार्च की रात 8:54 तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर से ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मोठ, चांदी, सोना, रुई, कपास, घी, सरसों, गुड़, खांड, पीपल, गुगुल और कपास के मूल्यों में तेजी आने की संभावना होगी। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आपको धन संबंधी कोई समस्या आ रही है तो किसी के जरिए इस समस्या का समाधान मिलेगा। B, कुछ अपने जरूरी कामों को भूल जाएंगे जिससे आपको बाद में पछतावा होगा। C, का ऐसा न हो इसके लिए जरूरी चीज़ों को याद रखिए। C, कामकाजी महिलाओं को कोई छोटा उद्योग शुरू करने में घर वालों का सहयोग प्राप्त होगा। D, आज आप स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें। E, अगर आपकी आय में बार बार कोई बाधा आ रही है, आमदनी में कोई बाधा आ रही है तो ये बाधा आज आपसे दूर हो जाएगी।
एफ, अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है तो किसी अधिकारी की मदद मिलेगी। जी, आज आप अपने दस्तावेज किसी सुरक्षित जगह पर रखें जिससे किसी छोटे बच्चे के हाथ में ना आए। एच, दुकान के लिए तिजोरी खरीद रहे हैं तो कोई अच्छा मुहूर्त देखकर खरीदें। आई, घर के लिए डाइनिंग टेबल खरीदना चाहते हैं तो आज आप खरीद सकते हैं। जे, ऑफिस में काम को पूरा करने पर दबाव होगा, आप थोड़ा परेशान बने रहेंगे। के, आपको आज भाग्य का साथ मिलेगा, किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। एल, आपको कोई बीमारी काफ़ी दिनों से है तो वो बीमारी आज दूर होगी। एम, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपकी मेहनत आपके लिए अच्छे परिणाम लाएगी। एन, बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अच्छा है, आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में डील कर सकती है। ओ, आज आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे जिससे आप अपने सारे काम समय पर पूरे कर लेंगे। पी, छात्रों को पढ़ाई के प्रति मेहनत करते रहना चाहिए, आने वाले समय में ये मेहनत आपकी रंग लाएगी। क्यू, नियमित योग करने से आप स्वस्थ बने रहेंगे और खान पान पर थोड़ा ध्यान दें। आर, किसी से मित्रता करने से पहले उसके व्यवहार को आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। एस, आसपास के लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, साथ ही आपके किसी काम में मदद भी करेंगे। टी, खुद में बदलाव लाने के लिए आज का दिन अच्छा है, अपने आप में कोई भी बदलाव लाएंगे ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यू, जो लोग स्टेशनरी के बिजनेस से जुड़े हैं उन्हें आज अच्छा मुनाफा होगा। वी, आज घर के वातावरण में बदलाव होगा जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। डब्ल्यू, ऑफिस में सभी लोग आपसे खुश रहेंगे, आपकी बेहतर प्रदर्शन को देखकर बॉस आपकी पदोन्नति पर विचार विमर्श करेंगे। एक्स, जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको कोई उच्च पद मिल सकता है। वाई, आज आपका वैवाहिक जीवन हंसी खुशी प्यार और उल्लास का केंद्र बना रहेगा। जेड, दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा, जीवन साथी के साथ लंच के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको करा रहे हैं उड़ीसा के लिंगराज मंदिर के दर्शन। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, पर यहाँ शिव जी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है, जिस कारण ये हरिहर के नाम से जाना जाता है। मंदिरों के शहर उड़ीसा में स्थित ये मंदिर बड़ा होने के साथ साथ अपने साथ इतिहास को भी समेटे हुए है। ये मंदिर श्रद्धालुओं के साथ साथ इतिहासकारों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसकी वजह यहाँ के ऐतिहासिक इमारतें हैं। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी स्थूल और रूखे बालों के बारे में, और आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह और सिर के बालों के संबंध के बारे में। बृहस्पति श्रेष्ठ ग्रहों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह विवेकशीलता और मस्तिष्क की क्षमताओं का, यानी कि मानसिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। मस्तिष्क की क्षमताओं का सही दिशा में उपयोग करने की कला बृहस्पति ही सिखाता है। व्यक्ति में किसी काम को करने के लिए नेतृत्व क्षमता भी बृहस्पति के कारण ही आ पाती है। इन सब गुणों व विशेषताओं के कारण इसका एक नकारात्मक पक्ष है कि यह सिर पर बालों की कमी करता है। अगर आपका बृहस्पति आपसे रूठा हो तो यह सिर पर बालों में कमी करता है, लेकिन विवेकशीलता का गुण होने के कारण बृहस्पति प्रधान जातक जिसमें बृहस्पति प्रधान है, वो किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं करते। इनमें सोचने समझने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। सामुद्रिक शास्त्र में कल हम आपको सिर के बाल झड़ने के बारे में बताएंगे। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 4 मार्च फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज सुबह 8:50 तक रहेगी, उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 8:05 तक रहेगी। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज बॉस से मन की बात करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी।
और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।